और छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है जहां पर विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। तीनों पर्यवेक्षकों ने नया मुख्यमंत्री चुना है। तो छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला। आदिवासी समुदाय से आते हैं विष्णुदेव साय, जिनको मुख्यमंत्री चुना गया है। तो छत्तीसगढ़ को मिला है आदिवासी मुख्यमंत्री। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर विष्णुदेव साय सीएम होंगे। कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक है विष्णुदेव साय, जिनको मुख्यमंत्री चुना गया है। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह बड़ा फैसला किया गया है। और देखिए तस्वीरें किस प्रकार से, मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद उनका पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया है। और इस बैठक में तीनों पर्यवेक्षक मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री चुना गया है। आदिवासी समुदाय से आते हैं विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ को मिला है आदिवासी मुख्यमंत्री। और बता दें कि कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक हैं विष्णुदेव साय। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से मिल रही है, जहां पर विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। और विष्णुदेव साय का सियासी सफर 1999 में रायगढ़ से सांसद बने, 2004 में रायगढ़ से दोबारा सांसद बने, 2006 में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने, 2009 में रायगढ़ से तीसरी दफा सांसद बने और 2011 में दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बने, 2014 में चौथी बार रायगढ़ से ही सांसद बने, 2020 से लेकर 22 तक तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, 2 दिसंबर 2022 से राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य रहे और 8 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य बने और 2023 में कुनकुरी से विधायक बने और अब वो मुख्यमंत्री चुने गए हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह बड़ा फैसला किया गया है और तीनों पर्यवेक्षकों ने छत्तीसगढ़ का नया सीएम चुना है। विष्णुदेव साय के नाम पर मोहर लगी है। आदिवासी समुदाय से आते हैं विष्णुदेव साय। तो बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ को मिला है आदिवासी मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होते ही पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने उनका फूलों से हार से स्वागत किया। कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक हैं साय। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री।